हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हो। और फिर से मुलाकात होता है आप लोग का साथ मेरा और एक नए वीडियो में। चलो आज सोचते हैं क्या करें। बहुत दिन हो गया, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या करूँ। तो आज सोचा कि चलो मम्मी का थोड़ा हाथ बटाया जाए। ऐसे तो घर में ही हूँ इसलिए क्या करूँ। तो चलो मम्मी का हाथ बटाते हैं, आज खाना क्या बना रहा है देखते हैं और थोड़ा हेल्प करते हैं। और आज वीडियो हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? कैसा लगा बताइएगा। चलो चलते हैं, अभी चलते हैं अंदर। मेरे रूम से निकल गए हैं और अभी जाएंगे घर में। थोड़ा अंधेरा है, सोचना मत लाइट नहीं है, चल रहा है। आ जाओ, हम लोग पहुँच गए किचन में। मम्मी क्या बना रहा है देखते हैं। आज क्या बना रहा है आप? इडली बना रहा है। आज हम लोग का घर में रोटी चावल कुछ नहीं बनेगा। आज सोच रहे हैं थोड़ा साउथ इंडियन खाना ट्राई करें। तो मम्मी ने आज सोचा है बनाने के लिए इडली सांभर और दो आइटम चटनी, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप का चटनी बनाएंगे। बोलते क्या? ये देखिए, ये सब सांभर बनाने का आइटम है। दाल, मटर, टमाटर, पम्पकिन, ब्रिंजल, क्यूकम्बर, ऑनियन। दाल को डाले डाल दिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सूखी भर हल्दी। अभी मम्मी बना रहे हैं सांभर। ये देखिए सांभर बन रहा है। थोड़ा सा सब्जी, मतलब सब्जी जो मतलब सांभर में जो यूज होता है वो सब्जी पका रहा हूँ पहले। उसके बाद यहाँ में दाल बल रहा हूँ, उसके बाद इसमें दाल में सब्जी में। ये देखिए अभी इसमें इडली जाएगा। तो इडली का स्टैंड रेडी हो रहा है और इधर सांभर बन रहा है। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। क्या क्या होता है, कैसे बनता है दिखाएंगे, शॉर्ट में दिखाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ठीक है? और किचन का टूर कभी और दिखाएंगे, अभी सिंपल सिर्फ गैस का आसपास में जो जगह है वही दिखा रहे हैं। ये देखिए अभी एक कुकर में जो दाल उबल रहा था उसको अभी यहाँ से निकाल के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अभी यहाँ पर सांभर पूरा जोर जोर से रेडी हो रहा है और हम लोग थोड़ा देर बाद खाएँगे। आप लोग को उसका जो क्या बोलता है हम लोग, मतलब मुँह से जो पानी गिरता है ना, वो आपको दिलाएंगे। इधर इडली का स्टैंड बिठाएंगे अभी। ये देखिए, तो उससे पहले इसको गर्म करना पड़ेगा पानी। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि मालूम नहीं, लेकिन पानी गर्म हो रहा है। इधर से गैस का जो ऊपर में जो धुआं निकलता है, ये धुआं निकल रहा है। तो इधर सांभर रेडी हो रहा है। वैसे तो सांभर आप लोग जानते ही है कि डोसा के साथ खाते हैं, और इडली के साथ भी खा के अच्छा लगता है। आप लोग कभी ट्राई किया कि नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है देख के आपको, तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ओके? और हम लोग का घर में और दो आदमी है, आप लोग जानते हैं, एक नहीं दो है, वैसे तो तीन होना चाहिए, एक तो बाहर रहता है और दो है। तो कौन कौन है वो तो आप लोग को मालूम है, तभी भी उन लोग को दिखाते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं। चलो ये देखो, ये एक सोया हुआ है और ये यहाँ पे न्यूज देख रहा है थोड़ा नंगा पुंगा होके। अभी यहाँ पे क्या देगा? अभी इसमें वो जो पीस कर रखा हूँ इडली का, वो डाल रहा हूँ यहाँ पे। अभी चलो, ये देखो कैसे इडली का स्टैंड में इडली का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आपका बेटर, हाँ उस इडली का बेटर जो रेडी किया हुआ था वो अभी इसमें डाला जाएगा। ये देखिए फटाफट डाल रहे हैं। ये देखो थोड़ा हम लोग भी डाल के ट्राई करेंगे, है कि नहीं? हम लोग, मुझे डालना चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, मैं भी डालूंगा, देखते रहना तुम्हारे में। अभी हम लोग डालेंगे। चलो, मैंने बोला था ना कि मैं भी थोड़ा मदद करूंगा, तो मैं भी डाल रहा हूँ। ओ फुल फुल करना चाहिए क्या? हाँ, भट्टी भट्टी ज़्यादा नहीं है इसमें। हाँ, कोठा दिया है, अभी इसको भी भर्ती करेंगे। चलो धीरे धीरे करो, नहीं तो गिर जाएगा। गिर जाए कौन, कितना खाएगा मालूम नहीं। जाएगा कहाँ पे? मैंने तो कर दिया, अभी इसको घुसाया जाएगा इसमें। बहुत गर्मी का गर्म गर्म। अच्छा चलो पढ़ो। हाँ, ये देखो पूरा धुआं धुआं हो गया है, ये पूरा स्टैंड अभी जाएगा इसके अंदर। ये जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा है, घुस गया। ये देखो घुस गया, अभी ढक्कन लगा देंगे और यहाँ पे सीटी मारेगा। पुई 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 पुई। किसका मुंह में पानी आ रहा है बताओ बताओ, जल्दी 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 बताओ।
सांभर तो रेडी हो गया है खाने का लिए, एकदम परफेक्ट। और चटनी कहाँ पे है? चटनी चटनी भी दिखाएंगे, पर चटनी कहीं और अच्छा जगह में रखा हुआ है ठंडा करके, देखना सही। फ्रिज कहीं और कभी और दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सामान है। ये देखो, इस खाना बन के रेडी होता ही नहीं होता है, इसको सेंट पहले आ जाता है। ये हम लोग का साला पहुंच जाता है पहले पहले, पहले पहले पहुँच जाता है, घू घू करता है। ये देखो चटनी आ गया है, चटनी हम लोग वो बोलता है हमको भी दिखाओ तो मोबाइल में, इसलिए घू घू करता है ना। मिक्सू हेलो, ये देखो चटनी, दो दो डिफरेंट टाइप का चटनी बोल रहा है। ये देखो ये बोल रहा है मुझे भी फोन दो, मैं भी वीडियो बनाऊंगा। ये देखो 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 मेरा पैर कपड़ कैसे उठ गया साला, एक के लात दे दूंगा इसको। ये देखो ये बोलता है मुझे दो सेल्फी स्टिक, मैं भी बनाऊंगा वीडियो बोलता है। ये देखो ये देखो ये इडली रेडी होने वाला है, पूरा पी 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 साउंड मार रहा है। ये देखो अभी इसको हम लोग खोल के देखेंगे कि रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ये रेडी हो गया होगा ना? हो गया हो गया है। इसको निकाला और एक राउंड बनाना पड़ेगा, तो नहीं तो कैसे होगा, हम लोग इतना छोटा मोटा नहीं खाएंगे। इसको निकालो और एक राउंड बनाना पड़ेगा, नहीं तो कितना होगा, हम तो खाएगा ना बहुत सारा। निकालो इसको जल्दी जल्दी, उसके बाद इसको एनएसआर अच्छा, तभी इसका भाप किसमें उठेगा, उठेगा होगा होगा हो गया, लागने से हो गया। देखो ये इडली बन के रेडी हो गया है, अभी लोग खाएंगे पूरा पानी गिरा कर टापोली पार पार के खाएंगे। अभी निकालो एक तो प्लेट में निकालो, वो काला वाला प्लेट में निकालो, हाँ बोगा सीस काला वाला प्लेट में निकालो, हाँ ये ब्लैक ब्लैक सब निकालो। रुको इसको हम निकाल रहे हैं, हाँ अभी इसको हम लोग निकालेंगे फटाफट, जल्दी जल्दी। एक तो निकल गया, इसको बाद में सजाएंगे, अभी खाना है फटाफट निकालो, ऐसे करके निकालो जल्दी जल्दी। निकल गया है, ये निकल गया है, इसको अभी पीछे इसमें इसमें डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे इसको सफा करना पड़ेगा। एक बार तो निकाल दिया हम लोगों ने, अभी और एक बार डालेंगे, क्योंकि पेट बड़ा है ना तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रोटी चावल खाते हैं ना, तो इडली खाने से हम लोग का पेट नहीं भरेगा, थोड़ा थोड़ा खाने से ज़्यादा ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो मम्मी फिर से धो रहे हैं और अभी इसके बाद फिर से और एक बार डालेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो देख के अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और थोड़ा प्यार दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने आसपास के दोस्तों को फैमिली को सबको सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा, ठीक है। ये अभी थोड़ा डिज़ाइन कर दे रहे हैं, आप लोग को दिखाना पड़ेगा ना, तो इसलिए ऐसे ऐसे बना दिया है। अभी ये साफ़ कर रहे हैं मम्मी, फटाफट डालेंगे क्योंकि भूख भी लग रहा है, दस बजने वाला है, बाहर में तो पूरा बारिश दे रहा है, तो बाहर जा भी नहीं सकते, तो घर में ही कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ही ना। तो इसको बनाने डालने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा तेल डालना पड़ेगा, पहले मैं दिखाया नहीं था, दिखा दे रहा हूँ, तेल 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 पूरा तेल डालना पड़ेगा, नहीं तो नीचे का पिछवाड़ा लग जाएगा, चिपक जाता है, तो पिछवाड़ा चिपक गया तो इडली खराब हो जाता है, बीच में टूट जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। ये देखो और एक बार ये कुकर में जाएगा, इसलिए रेडी पूरा एकदम हिसाब में बनाया है। हम लोग जो बनाते हैं पूरा एकदम मेजरमेंट लेके ही बनाते हैं, ना ज़्यादा ना कम, ताकि ख़राब ना हो जाए, है कि नहीं, रखने से ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए पूरा मेजरमेंट लेके बनाना चाहिए पेट का हिसाब से, तीन आदमी जितना खाएंगे उतना ही। ये अभी जाएगा फिर से कुकर अंदर में और एक राउंड, ये घुस गया, अभी बंद कर देंगे, थोड़ा देर बाद हम लोग खाने के लिए बैठेंगे और आपको दिखाएंगे हम लोग कैसे खाते हैं तीनों मिल के बैठ के, ठीक है। चलो अभी इसको डाइनिंग टेबल में रखेंगे, ये रखने जा रहे हैं मम्मी, ये हम लोग का वो बैठा हुआ है खाने के लिए पापा जी, पूरा मोबाइल में क्या देख रहा है, देख रहा है उस आवाज़ में क्या देख रहा है, फुटबॉल देख रहा है ना, क्या देख रहा है, देख रहा है। ये प्ले टेबल रेडी हो गया है, हम लोग खाएंगे प्लास्टिक प्लेट में, और ये घर का मुखिया है तो हम लोग का असम में मुखिया जी को पूरा कांहो प्लेट देता है, हिंदी में क्या बोलता है मालूम नहीं, लेकिन असम में कांहो प्लेट बोलता है। और ये चटनी लेके आया मम्मी, वो भी लेके आ गया है, अभी हम लोग खाएंगे सब लोग,
यहाँ पे सेल्फ सर्विस होता है, खुद लेते हैं, तो हम लोग देंगे नहीं, खुद ले लेंगे पापा मुखिया जी हम लोग का घर का। पर कमेंट मत दीजिएगा उल्टा पुल्टा। हाँ हम लोग का मुखिया नंगा पुंगा है, बोलते वो गर्मी है ना, गर्मी का सीजन में सब लोग ऐसे ही रहते हैं। हम भी अभी थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, पेट निकला हुआ है ना, इसीलिए स्पोर्टिंग लगा लिया है, नहीं तो हम भी नंगा पुंगा ही रहते। चलो इसको भी ले जाते हैं, बाकी लेके आना। और इसको कहाँ रखेंगे, इसको रुको तो जगह बनाना पड़ेगा अभी, इसको उधर रखेंगे, इसको इधर रखेंगे, ये ले लो तो जल्दी जल्दी ले लो, इसको यहाँ पे हाथ वाथ क्या क्या धोना है धोलो, इसको यहाँ पे उठा देंगे, खुद ले लो जो और अपने आप खाओ। ओए इसको भी तो भाग देना है, हम लोग का कुत्ता तो मांस खाता है लेकिन बॉयल। ओ चम्मच लाना भूल गया था, चम्मच भी लेके जाना पड़ेगा गाइस, चम्मच लेके, चम्मच हम लोग का मुखिया जी चम्मच मांग रहा है। ये देखो खुद ले लिया है, पानी भी आ गया है, खाओ 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 फटाफट खाओ। ये हो गया होगा, देखो देखो जल्दी भूख लग रहा है, हो गया इसको निकालो। क्या प्लेट टू लेके आना पड़ेगा क्या, देखो प्लेट टू लेके आएगा, काला वाला प्लेट ये साथ में ले लो, और हम थोड़ा और लेते हैं, फिर भी लेके आते हैं। ये सरिया तेरा फटाफट निकालो, फटाफट निकालो जल्दी जल्दी, ठंडा वाला है गरम तो छोड़ ही पड़ेगा, वैसे भी पेट में ही जाएगा। हाँ वही भी बात है, जैसे तैसे खाने से हो गया, खाने से मतलब टेस्ट भी होना चाहिए। वो मेरा पानी भी लेना है ना, ठंडा पानी मेरा तो बोतल ले लेगा, मेरा बोतल थोड़ा मस्त है, डू योर बेस्ट, कैसा लगता है मेरा बोतल, ऐसा बोतल किसके किसके पास है बताइएगा तो जरूर। ये ठंडा पानी हम ठंडा खाते हैं, बाकी सब लोग गर्म पानी खाते हैं। ये देखो इसको खाना दे दिया है, ये अभी खाना खाने जाएगा, इसका भी खाना दे दिया है, तुम फटाफट खाओ जल्दी जल्दी, ठीक है अभी हम लोग खाएँ खाना। ये तो पूरा स्पीड में खा रहा है, हम लोग का खाना भी खा जाएगा ऐसा लगता है, हम लोग को खाने ही नहीं मिलेगा अभी, तो भूख लगी से फटाफट खाना खा लो दे। और अपना लोग चाय थक और गंटी कर मैं क्या खाई খাই হৈ গ'ল গাইজ, ঢেৰ খাই উঠিলোঁ আৰু নোৱাৰিলোঁগৈ আৰু চাৰিটামান থাকি গ'লগৈ, সেইটো কাইলৈ ৰাতি পঠাম। এ ফিউ মিনিটছ লেটাৰ তো আবি আকে বিস্তাৰ মে লেট গিয়া হওঁ, इतना खा लिया ना पेट पूरा फुल हो गया मेरा, खाना लेकिन बहुत टेस्टी था, सबसे मज़ा लगा मुझे खा के वो टमाटर का जो काजू किशमिश क्या दे दे के चटनी बनाया था वो, और सांभर, सांभर तो ज़बरदस्त। तो क्या करूँ, अभी सोच रहा था कि भूख तो लग गया था तो खाना खा के पेट पूरा फुल, अभी लग रहा है नींद, तो वीडियो तो एडिट भी तो करना है, तो सोचा पहले एडिट कर लेता हूँ उसके बाद सो जाएंगे। तो वीडियो आपने इतना प्यार से लास्ट तक देखा उसके लिए तहे धन्यवाद, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो एक बटन होता है ना लाल रंग का घंटी वाला बटन, उसको तो जितना हो सके खुद भी दबाइएगा और दूसरों को भी दबाने के लिए भूलिएगा, ठीक है। और ऊपर से तो पूरा बारिश दे रहा है बाहर में, चारों तरफ असम में तो बारिश ही बारिश है, कितना जगह में तो आपका पूरा बांध पानी हो गया है। अच्छा है कि हम लोग थोड़ा ऊपर में रहते हैं इसलिए बारिश से अभी तक बचे हुए, बांध पानी नहीं हुआ है, पर बारिश तो हमेशा दे रहा है जोरदार, सुबह हो या रात हो। मैं तो आजकल क्या कर रहा हूँ, बारिश में ही नहा रहा हूँ, पूरा मज़ा लगता है बारिश में नहा के। आप लोगों ने अगर नहाया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगता है नहाने में, क्योंकि घर में शावर लेके जो मज़ा आता है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा मज़ा आता है बारिश में भीजने के लिए, है कि नहीं गाइज। तो ठीक है आज का लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे, तो उसी इंतज़ार में बने रहिएगा, और जितने हो सके आप
सबको बताइएगा और सबको बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।